किंग ऑफ फ्रूट किसको कहा जाता है? यस, मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट एंड वी नीड टू लर्न अबाउट दैट एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो. वाई? क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत है. यस, मार्केट का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और सीजनल चलता है, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी देखे जाता है. लेकिन उसके लिए आपको उसके बारे में पता कितना है, दैट ऑल्सो मैटर्स. और वो अगर होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे पता है जो सिर्फ सीजन में ही काम करते हैं, सीजन में ही कमाते हैं, बाकी कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. So yes, let's discuss about the mango and export of the mango to the countries like yes and how you can start that business. Hi dosto, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach. And yes, I'm on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. It is not only the mission, but yes, I will say you that it is about the community, family, network, system, platform, building for the each other, helping each other, and how we can achieve the growth in the business. So this is about the mission, and yes, I know you will be the next exporter in that mission. So let's join the Global Fortune family, and yes, we will create the growth for each other. अबाउट द मैंगो एक्सपोर्ट में कहूँगी कि यस, मैंगो सीजनल है. दिस मंथ एंड लाइक मई जून तक आपको उसके लिए मतलब बहुत बड़ा स्कोप है कि आप उसके ऊपर काम कर सकते हो. अभी आपको ये सोचना होगा कि ओके, मैंगो अवेलेबल कहाँ पे होता है, मैंगो के टाइप कौन से होते हैं, साइजेस कौन से होते हैं, लाइक शेप या जो भी वैरायटी हो तो वो कौन सी है, प्रोड्यूस कहाँ पे किया जाता है, एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है, इम्पोर्ट कौन करता है और कैसे करता है. सो अगर इसके बारे में अगर हम जानकारी थोड़ी बहुत भी ले लें तो भी आपको पता चलेगा. ओके, अल्फांसो मेजर एक्सपोर्टेड आइटम, क्योंकि मैंगो में जो भी बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं, अल्फांसो मैंगो उसमें बहुत बड़े तौर पे एक्सपोर्ट किया जाता है और बहुत बड़ा पसंद का भी होता है मार्केट के लिए. सो लोकल भी मार्केट हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट हो, अल्फांसो का दाम भी अच्छा है, डिमांड भी अच्छा है. या मेजर डेवलप्ड कंट्रीज अल्फांसो को ज़्यादा डिमांड करते हैं. सो यू कैन ट्राई फॉर द अल्फांसो ऑल्सो, बट विद द अल्फांसो देर आर अदर वराइटीज ऑफ मैंगोज ऑल्सो बीन एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. सो इन दैट लाइक बेंगमपल्ली होगा, तोतापुरी है, बादामी है, केसर भी है, ऐसे बहुत सारे आइटम एंड वराइटीज ऑफ मैंगोज है जो एक्सपोर्ट के लिए मतलब दिए जाते हैं. एंड यस, पीपल आर प्रिफरिंग दैट काइंड ऑफ मैंगोज ऑल्सो. तो आपको ये ट्राई करना पड़ेगा कि इसमें से आप कौन से वैरायटीज़ को मतलब ट्राई करना चाहते हो, राइट? और उसके आगे जाके होता है कि वो कैसे जाता है फिर, और कौन से मार्केट के डिमांड, साइज, स्पेसिफिकेशंस, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये कैसे होता है. अगर मैं कहूँ कि चलो अल्फांसो की बात करो, वो कहाँ पे आता है फिर? सो महाराष्ट्र में रत्नागिरी, देवगढ़ में भी अल्फांसो ज़्यादा ग्रो किया जाता है, कर्नाटक में ज़्यादा ग्रो किया जाता है. अगर हम बेंगमपल्ली की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा ग्रोइंग किया जाता है. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डेटा लाइक कौन से स्टेट में कौन सा मैंगो ज़्यादा आता है, और अकॉर्डिंगली यू कैन गो अहेड विद दैट. रही बात, मैंने जब भी अल्फांसो मैंगो के फार्मिंग को विजिट किया था, राइटली दिस सीजन ओनली, बिकॉज वी वॉन्ट टू सप्लाई टू द अल्फांसो मैंगोज फॉर दिस सीज़न. सो ये मैंने से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखी कि अगर मैंने कहा कि अल्फांसो कर्नाटका में भी आता है एंड महाराष्ट्र में भी आता है, देन वॉट इज द डिफरेंस इन दैट? सो डिफरेंस ये है कि मैंगो तो अल्फांसो ही है, लेकिन कर्नाटका का जो मैंगो है वो एक तो बहुत शाइनी आता है, लेकिन देवगढ़ का है कि वो शाइनी के लिए कम है, मतलब शाइन ज़्यादा करता नहीं. दूसरी बात, जब भी आप कट करोगे तो ये कर्नाटका येलो शेड में दिखेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड में होता है. स्वीटनेस के लिए अगर मैं कहूँ तो महाराष्ट्र का देवगढ़ का जो भी है वो बहुत अच्छा स्वीट में है, हाई स्वीटनेस में है कंपैरेटिवली कर्नाटका मैंगो में. सो देर आर लाइक लाइट माइक्रो डिफरेंसेस या फिर मिनी डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी मार्केट बहुत सारी मतलब फंसता भी है और गलती भी करता है यहाँ पे. सो आपको फ्रूट को बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा और तब जाके आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, राइट? दूसरी बात, अगर एक एक्सपीरियंस के तौर पे बताओ तो दुबई के लिए जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यस, दुबई बॉक्स पैकिंग में ही जाता है. जो भी नॉर्मल हमारा पैकेजिंग होता है उसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये लोकल से भी, लेकिन बॉक्स पैकिंग एक कोरोगेटेड बॉक्स से ही जाता है और हे भी वहाँ पे डाला जाता है लाइक फॉर द ये, और फिर वो मैंगो एक्सपोर्ट किया जाता है. लेकिन अगर वाइस वर्सा अगर हम कहें कि ऑस्ट्रेलिया को मैंगो भेजा जाएगा तो फिर वो कैसे जाएगा? तो उसमें या गवत हो या हे वो डाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है, कस्टम क्लियरेंस आपका नहीं हो सकता, एंड द बॉक्सेस विल बी रिजेक्टेड देयर. इसका मतलब क्या हुआ? एवरी मैंगो को, जैसे हम बोलते हैं ना कि सुपरमार्केट में जब भी आप जाओगे तो फ्रूट्स के ऊपर कैपिंग लगाया जाता है, सो वैसे एवरी मैंगो को कैपिंग होता है और वैसे मैंगो एक्सपोर्ट किया जाता है. उसके आगे अगर कहूँ कि चलो आपको यूएसए को एक्सपोर्ट करना है तो यूएसए के लिए इंडिया को ई रेडिएशन के थ्रू ही जाना पड़ता है.
सो मैंगो रेडिएशन के बिना एक्सपोर्ट के लिए नहीं जा सकता, स्पेशली यूएसए मार्केट के लिए। फिर यूएसए के लिए रेडिएशन कहाँ पे होगा और कौन करेगा? तो इंडियन गवर्नमेंट ने रेडिएशन सेंटर्स खड़े किए हैं। महाराष्ट्र में अगर कहे तो वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन यस महाराष्ट्र में आप वाशी के लिए मतलब वहाँ पे रेडिएशन सेंटर है, तो बेंगलोर में भी रेडिएशन सेंटर है, तो वहाँ पे जाके भी आप मैंगो का ई रेडिएशन करके देन ही वो एक्सपोर्ट के लिए आगे चलेगा। सो आपको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी प्रोसेस अगर मैंगो के लिए देखी जाए तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी है एंड वेपर ट्रीटमेंट भी है। सो बहुत सारे कंट्रीज हॉट वाटर ट्रीटमेंट अप्लाई करती है, मतलब डिमांड करती है, एंड बहुत सारे कंट्रीज जैसे यूएसए है वो रेडिएशन ट्रीटमेंट ही अप्लाई करती है। सो उनकी डिमांड ही है कि इस प्रोसेस से ही गया हुआ मैंगो ही उनको लगेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो आपको सर्टिफाई करना पड़ता है, वो प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है, एंड देन ओनली द शिपमेंट विल बी डन। सो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, लेकिन मैं कहूँगी यस दाम भी वैसे ही मिलता है, क्योंकि हर प्रोसेस हमें वैसे ही बताती है हमेशा कि जितना उसके लिए अगर आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, यस डेफिनेटली द रिजल्ट्स भी उस मेहनत से भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ईजी मार्केट के लिए जाओगे ईजी एंट्री मिलेगी, लेकिन शायद दाम भी वैसे ही ईजी मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ मार्केट को ट्राई करोगे जहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा या फिर काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली मार्जिन विल बी ऑल्सो हाई। सो मैंगो वैसे मैं कहूँगी किंग ऑफ फ्रूट है, लेकिन यस आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी वैसे ही देता है, बट साइमल्टेनियसली ऑल्सो रिमेंबर दैट मैंगो इज़ क्वाइट रिस्की ट्रेड, क्योंकि मतलब वो फ्रूटी है लेकिन थोड़ा सा रिस्की जाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत डेलिकेट है। अगर वो राइपन हुआ ही नहीं या फिर कच्चा ही रहा या फिर मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा? लॉट रिजेक्ट होता है तो सारे मतलब आपके पैसे वहाँ पर ख़त्म हो सकते हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट द बायर डिफॉल्ट, इट इज़ अबाउट द प्रोडक्ट डिफॉल्ट। और वो प्रोडक्ट डिफॉल्ट ना हो जाए उसके लिए आपको पहले ही प्रोसेस का अंदाज़ा लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट की मास्टरी करनी पड़ेगी, और तब जाके काम हो सकता है। सो करने वाले हो आप, और अगर करना चाहते हो तो यस डेफिनेटली मैंगो बहुत अच्छा फ्रूट है। आज अगर इस मौसम पर इस सीज़न पर काम करोगे, माइट बी यू कैन बी सक्सेसफुल एक्सपोर्टर इन द नेक्स्ट सीज़न। काम तो ऐसे ही चलता है ना, इस सीज़न से चालू करोगे नेक्स्ट सीज़न तक ज़रूर हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलो फिर अंडरस्टैंड करो बातों को, मैंगो इज़ रियली काइंड ऑफ फ्रूट दैट यू कैन स्टार्ट यूर एक्सपोर्ट बिजनेस विद देम। बट यस इसके लिए मैं कहूँगी इम्पोर्टर अच्छा ढूंढो कि वो समझ सके, जानकार हो, उसको भी पता है और वो अंडरस्टैंडिंग भी हो, ताकि वो समझ सके ट्रेड में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, यस स्टिल यू आर इन द सेफ हैंड्स। और इसकी अगर आप सच में काम करोगे, डेफिनेटली एक्सपोर्ट इज़ पॉसिबल ऑल्सो। टेक एक्शन, स्टार्ट योर जर्नी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि एक्सपोर्ट के लिए की जा सकती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी प्रैक्टिकल जितना सीखोगे, क्लैरिटी के साथ काम करोगे, यस डेफिनेटली द ग्रोथ इज़ देयर। ग्रुप शिपमेंट का जो भी हमारा इनिशिएटिव ग्लोबल फॉर्च्यून में चलता है, एक्चुअली उसका नतीजा मैंने देखा, लाइक देर आर लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स आर वी आर क्रिएटिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दे आर गेनिंग द प्रैक्टिकल इंसाइट्स ऑन द ग्राउंड ओनली। And this is the only initiative by Global Fortune, because yes, we are on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. One more question in your mind, like buyer तो मिलता है लेकिन customer नहीं बनता। मैं कहूँगी इसके लिए don't worry about that. I have like prepared buyer to customer conversion mastery ebook, and yes, which is available with the Global Fortune. So you can pay them, and it is a very little investment. Only 149 is the offer price. So you can comment in the comment box with the like buyer mastery course, and yes, we will get in touch with you. Yeah. So contact. Join to us, mission to growth, and take action. Start your journey. Jai Hind.